हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरा ये व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं छत पर सूर्य देवता को जल देने के लिए आ गई हूँ। सूर्य देवता को जल देने से पहले मैंने लोटे में कुछ फूल वगैरह डाले हैं। इस तरह से मैंने सूर्य देवता को जल दिया और फिर सूरज को जल देने के बाद फिर मैंने नीचे जाकर लंच के लिए ये दाल को भिगोया। इस दाल को पहले भिगोने से फिर ये दाल काफ़ी अच्छी बनती है। इस तरह से ये देखेगी, क्योंकि साबुत दालें हैं, इसको पहले थोड़ी देर के लिए भिगोना ज़रूरी होता है। इसके बाद ही फिर मैंने इस दाल को बनाया और फिर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर ये मूली के पराठे बनाए। मूली को मैंने कद्दूकस करके अच्छे से निचोड़ लिया। इस तरह से इसमें मसाले और धनिया, हरी मिर्ची वगैरह जो डाले हैं मसाले, वो सारे डालकर फिर मैंने मूली के पराठे बनाए। ये देखिए, अगर मूली को कद्दूकस करने के बाद अच्छे से निचोड़ लेंगे, उसका पानी सारा निकाल लेंगे, तो मूली के पराठे काफ़ी अच्छे बनते हैं, बिना फटे हुए बनते हैं। इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी के लिए मूली के पराठे बनाए। और फिर इसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मशीन लगा ली है और आज ये सारे सॉफ्ट टॉयज जो हैं हंसिका के, सभी को मैंने मशीन में ही धो दिया। मशीन में ये अच्छे से धुल जाते हैं। और यहाँ मैं कपड़े अपना रहे हैं, कुछ बनाते रहते हैं। और यहाँ पर हंसिका चावल साफ कर रही है और ये मिक्सी में कुछ बना रहे हैं। इस तरह से ये अपनी पसंद का कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं इस तरह से। और फिर इसके बाद शाम के टाइम, ये देखिए, ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, मैं इनको उतारने के लिए आ गई हूँ। फिर मैंने सारे कपड़े उतार लिए हैं और फिर शाम के टाइम यहाँ हमने चाय, और चाय के साथ ये खाने के कुछ, ये तलने वाले कुछ चीज़ें, पापड़ वगैरह ये खाई हैं, जो हंसिका अपनी पसंद से ले रही है। ये रंग बिरंगे पाई पापड़ हैं और इसी तरह से ये साबूदाने के रंग बिरंगे पापड़ हैं। ये पापड़ कई साइज़ के आते हैं, ये छोटे साइज के हैं और इससे बड़े साइज के भी पापड़ आते हैं। इस तरह से ये पापड़ खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये तल कर कितने बड़े साइज़ के पापड़ बन गए हैं। और इसके बाद हंसिका और कीर्ति ने यहाँ पर घर पर ही अपने आप गोलगप्पे बनाए हैं और वह गोलगप्पे में आलू और पानी, चटनी वगैरह डालकर देने के लिए आई थी कि चाची लो आप भी टेस्ट करो। इस तरह से फिर हमने यहाँ पर गोलगप्पे खाए जो कि काफ़ी टेस्टी थे।